सरोकार। पीएम मोदी ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री से की बात, G20 अध्यक्षता समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पीएम फ्रेंडसिक ने भारत की पहलों की सराहना की है। गृहमंत्री अमित शाह ने एससीओ देशों के साथ बैठक की है, सुरक्षा अर्थव्यवस्था समेत कई मुद्दों पर हुई बात। मणिपुर बीजेपी में सब ठीक नहीं, 15 दिन में 3 विधायकों का प्रशासनिक पदों से इस्तीफा, पार्टी ने बुलाई अहम बैठक। असम और अरुणाचल के बीच सुलझा सीमा विवाद, शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों के सीएम ने किया एमओयू पर हस्ताक्षर। केंद्रीय मंत्री शोभा करंजलादे ने इमरान प्रतापगढ़ी को बताया राष्ट्र विरोधी अतीत को लेकर कांग्रेस पर उठाए सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुख करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। यूपी नगर निकाय चुनाव अब हाईटेक हो गया है। जी हां, राजनीतिक दल अब सोशल मीडिया पर जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर प्रचार करने के लिए पार्टियां युवा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंप रही है और घर घर प्रचार के साथ ऑनलाइन प्रचार भी किया जा रहा है। बता दें कि भाजपा अपनी सभी रैलियों का लाइव स्ट्रीमिंग करेगी और स्ट्रीमिंग का लिंक कार्यकर्ताओं को भेजा जाएगा। समाजवादी पार्टी सोशल मीडिया पर प्रचार के लिए पदाधिकारी को जिम्मेदारी सौंप रही है और सपा कार्यकर्ताओं के साथ बड़े नेताओं की रैली, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिंक को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया जा रहा है। तो यूपी नगर निकाय चुनाव की तारीखें बेहद नजदीक है, तो ऐसे में अब सोशल मीडिया पर भी तमाम जो पार्टियां हैं वो प्रचार प्रसार करती नजर आ रही है, जिसके लिए जिम्मेदारी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को दी गई है, जो सोशल मीडिया पर अपनी पार्टियों के कार्यक्रमों का प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज देश भर में अलविदा की नमाज पढ़ी जा रही है, जिसको लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। लखनऊ के टीले वाली मस्जिद के बाहर भारी सुरक्षा बल का इंतजाम किया गया है, वही स्थानीय पुलिस के साथ पीएससी बल को भी तैनात किया गया है। पुलिस फोर्स पैदल गश्त के साथ ही ड्रोन से भी लगातार निगरानी कर रही है, जबकि पुलिस अधिकारी खुद सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वही राजधानी लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया मस्जिद में अलविदा की नमाज शुरू हो रही है, इसको लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। अलविदा की नमाज में शामिल होने हजारों की संख्या में लोग अब यहां पहुंच रहे हैं। अलविदा की नमाज को लेकर जो पुलिस है वो पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद ये पहली बार जुमे की नमाज हो रही है पूरे देश भर में, और वही अगर यूपी की बात करें तो यूपी के सभी जनपदों में धारा 144 इस दौरान लागू की गई है, जिसको लेकर अब पुख्ता इंतजाम कर दिए है। वही पुलिस के साथ साथ पीएससी की टुकड़ियों को भी मस्जिदों के बाहर तैनात कर दिया गया है, जबकि अगर संवेदनशील इलाकों का जिक्र करें तो वहां पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है, ताकि किसी तरीके से प्रदेश का माहौल ना बिगड़े, शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज हो सके और कल आने वाली ईद भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके, जिसके लिए पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। तो ड्रोन से भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है, जबकि लखनऊ के टीले वाले मस्जिद में लगातार जो नमाजी हैं उनका आना भी शुरू हो गया है, क्योंकि नमाज शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, पीएससी के साथ भारी पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। वहीं अगर मस्जिदों के बाहर की स्थिति आप तक हम लगातार पहुंचाए तो मस्जिदों के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। तो वहीं हमारे सहयोगी विभांशु मस्जिद के बाहर मौजूद है। विभांशु, अब जो है जुमे की नमाज है और जुमे की नमाज अगर शुरू हो चुकी है तो किस तरीके से वहां इंतजाम किए गए हैं? आखिरी नमाज संपन्न हो गई है और आपको बताएं कि यहां हजारों की संख्या में जो नमाजी है वो यहां पहुंचे हुए थे और ये नमाज के माध्यम से देश में एकता, अखंडता
भाईचारा और साथ ही साथ अमन चैन का पैगाम को लेकर यह नमाज पढ़ी गई है। विश्वास है कि इसे आज के दिन जो नमाज पढ़ता है उसको कहीं ना कहीं जल्द जल्द उसे अल्लाह कबूल करते हैं। आपको बताया कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि लगभग हजारों की संख्या में यहाँ हर एक वर्ग के नमाजी यहाँ पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के इमाम साहब मौजूद हैं। नमाज पढ़ते रमजान का भी है, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी कहेंगे कि आज का जो नमाज रहा है उसमें किस तरह की दुआ मांगी गई है देश के लिए और साथ ही साथ विभांशु से हम दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखा दूं कि टीले वाले मस्जिद की तस्वीरें हैं जहां इस वक्त जुमे की नमाज शुरू हो चुकी है और हर तबके का नमाजी पहुंच रहा है, हर एक उम्र का नमाजी वहां पर पहुंचते हुए नमाज अदा कर रहा है, क्योंकि रमजान का जो आखिरी जो शुक्रवार होता है इसकी नमाज काफ़ी अहम मानी जाती है, क्योंकि इस नमाज को अदा करने से ये कहा जाता है कि अल्लाह तक सीधी आवाज़ पहुंचती है, जिसको लेकर सभी नमाजी नमाज करने मस्जिदों में लगातार पहुंच रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये तस्वीरें भी दिखा दूं, ये मस्जिद के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त नमाजी मौजूद है और वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद पूरे प्रदेश में जहां एक तरफ धारा 144 लागू कर दी गई है तो वहीं अब सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। तो एक बार फिर से हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़े हैं। विभांशु, आप इस वक्त टीले वाली मस्जिद में मौजूद हैं और लगातार आपके साथ जो नमाजी है वो भी मौजूद है, तो इस नमाज को लेकर नमाजी क्या कुछ कहते हुए दिखाई दिए? जी विभांशु, तो विभांशु से हम दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अब जुमे की नमाज जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। यूपी के अलग अलग जनपदों की तस्वीरें भी प्राइम टीवी ने लगातार आप तक पहुंचाई है कि किस तरीके से जो पुलिस है वो पैदल गश्त कर रही है, वही संवेदनशील इलाकों में खासी निगरानी रखी जा रही है और वो ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब भी किसी ऐसे मौके पर हिंसा होती है तो पत्थरबाजी होती है
है और घरों की छतों से पत्थरबाजी की तस्वीरें भी पूरे प्रदेश ने पूरे देश ने देखी है। तो इसी को लेकर जो ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से किसी भी जनपद में हिंसा ना होने पाए, शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज को अदा किया जा सके। वहीं कल ईद का पर्व भी है तो ऐसे में जो पुलिस है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से इस त्यौहार को संपन्न कराया जा सके। पुलिस लगातार प्रदेश के अलग अलग जनपदों में पैदल गश्त करती हुई नजर आ रही है, पैदल मार्च करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जो लोग हैं उनसे संपर्क साधने का भी प्रयास जो है वो पुलिस लगातार कर रही है ताकि लोगों को ये विश्वास हो सके कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम है और प्रदेश का माहौल जो है वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है। तो एक बार फिर से हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ और टीले वाली मस्जिद से सीधा जुड़ रहे हैं। विभांशु, आप इस वक्त मंदिर मस्जिद के अंदर मौजूद हैं, ऐसे में आप लगातार नमाजियों से बात भी कर रहे हैं, तो आज जुमे की नमाज है, ऐसे में नमाजी जो है वो क्या कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं? आज की नमाज में साफ तौर से नमाजियों का कहना है कि देश में अमन चैन भाईचारा और देश की तरक्की को लेकर आज की नमाज अदा की गई है। मन्नत है कि आज के दिन नमाज में क्योंकि दुआ पढ़ी जाती है वो अल्लाह जरूर कबूल करते हैं। तमाम नमाजी हैं, इनसे बात करेंगे कि आज के दिन का महत्व क्या है और साथ ही आज दुआ में क्या पढ़ी गई है। एक मन्नत है कि आज के दिन दुआ पढ़ी जाती है नमाज पढ़ते हैं जो कुछ चीजों को नफ्स को मारते हैं, अपने हर चीजों के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं और पूरी तरीके से इबादत में कबूल रहती है चीजें हमारी, तो चाहे वो हमारा उठना हो, बैठना हो, खाना हो, पीना हो, सब कुछ सैक्रिफाइस करते हैं अल्लाह के लिए। और जो यहाँ पे नमाज पढ़ने का आज जितने भी लोगों से आप बात करेंगे सब ये यही कहेंगे तो हमारे मुल्क में अमन चैन यही हमारा मुख्य है। चलो देखा जाए तो भी रोजा रखा जाता है, उसमें कहा जाता है कि बॉडी बिल्ड टाइट हो जाती है रोजा रखने के पीछे क्या पीछे। तो पहला उद्देश्य तो ये होता है कि अगर आप जब रोजा रखते हैं जितनी भी आपकी नेगेटिविटी होती है, जितनी भी चीजें होती है, आप उसको अपने दिमाग से अपने माइंड से उसको निकाल दो। आप किसी भी चीज को कोई भी बुरी आदत है वो आप 30 दिन के अंदर उसको छोड़ सकते हैं, अपनी बॉडी से छोड़ कर सकते हैं। तो ये रोजा रखने का मतलब अगर और इसी वक्त जब अल्लाह इस बात से पूछता है कि मेरे बंदे ने रोजा रखा है 30 दिन तक इबादत करी है तो जो भी वो दुआ मांगेगा मेरे से वो मैं उसकी अदा करवाऊंगा, उसको पूर्ण करवाऊंगा। उन्होंने कहा था कि जब भी आप नहीं रखते तो वो जरूर होता है, वो सुन्नत माना जाता है, उससे अगर आप रोजा खोलते हैं इसका पता चलता है। जी बिल्कुल। तो अब उस्तान आपने साफ तौर से नमाजियों को सुनाबित करना था कि यहाँ सभी नमाजी जो आज मौजूद थे हजारों की संख्या में, उनका बस दुआ यही था कि देश में अमन चैन रहे, भाईचारा रहे और देश तरक्की करे। और साथ ही इन अगर बात करें तो आज अलविदा की आखिरी नमाज थी। जी बिल्कुल, धन्यवाद विभांशु हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक सीधी तस्वीरें और जानकारी पहुँचाने के लिए। सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने सपा प्रत्याशी के खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के प्रत्याशी के मुकाबले निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान कर दिया और पार्टी ने यहां से रुखसाना इकबाल को सपा का टिकट दिया है। बर्क ने उनके मुकाबले यासीन सैफी की पत्नी और निर्दलीय प्रत्याशी फरहान सैफी का समर्थन किया और सपा ने अपने विधायक इकबाल महमूद की पत्नी को प्रत्याशी बनाए हैं। शफीकुर रहमान और विधायक इकबाल महमूद अब खुलकर आमने सामने आ गए हैं। वही सपा सांसद ने इसको लेकर एक बैठक भी की थी जिसमें किसी और को चुनाव लड़ाने पर बात कहा गया। वही इसके बाद सांसद निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन करने का फैसला लिया है। तो अक्सर अपने वैवादित
विवादित बयानों के कारण चर्चा में रहने वाले सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान के बदले हुए तेवर निकाय चुनाव से पहले नजर आए, क्योंकि उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतार दिया है। यानी जहां सपा की तरफ से पहले ही प्रत्याशी घोषित कर दिया गया था, तो वहीं अब शफीकुर रहमान बर्क ने अपने पसंदीदा प्रत्याशी को निर्दलीय चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, उनके बयान अक्सर चर्चा का विषय रहते हैं। तो अब उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है और अब एक बार फिर से सारी लाइमलाइट उनकी तरफ चली गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, अक्सर डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन अब इस बार उनका फैसला जो है वो चर्चा का विषय बन गया। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा जाता है कि शफीकुर रहमान बर्क जो है संबल से सांसद है, समाजवादी पार्टी से सांसद है, और अक्सर वो अपने बयानों से लेकर चर्चा में बने रहते हैं। उनके बयान जो है उनकी पार्टी के जो गाइडलाइन है उनकी लीक से हटकर होते हैं और अपना एक विचार जो है मीडिया के सामने खुलेआम रखते हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है, और इस पर बर्क का ये कहना है कि उन्होंने पहले से ही हाईकमान से कह रखा था कि किसी भी विधायक या सांसद के घर वालों को जो है टिकट ना दिया जाए और ऐसे कर्मठी उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए जो उस क्षेत्र की जनता के साथ जुड़े हुए हैं, जुझारू प्रत्याशियों को टिकट दिया जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी ने वहाँ से किसी और को टिकट दिया है, जिसके बाद से जो निर्दलीय प्रत्याशी उतरा है उसका जो है शफीकुर रहमान बर्क के अलावा उनके पोते, उन्होंने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया है और निर्दल प्रत्याशी को समर्थन भी दे रहे हैं। बाकायदा इसके लिए उन्होंने एक बैठक भी की है और इस बैठक में तमाम चीज़ें गिनाई हैं जिसके लिए वो पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन और देखिए किसी निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं। ठीक है विवेक, जिस तरीके से शफीकुर रहमान ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की है, तो क्या लगता है कि ऐसे में जो सपा है और जो निर्दलीय है और जो भाजपा है, इसमें कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी इस सीट पे? देखिए, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान होने वाला है, क्योंकि वहाँ से जो सांसद है शफीकुर रहमान बर्क काफ़ी अनुभवी राजनेता हैं, काफ़ी पुराने खिलाड़ी हैं, उनका भी एक जनाधार है। निश्चित तौर पर अगर वो विरोध करते हैं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी का, तो जो वोट है वो कहीं ना कहीं छिटक सकता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी या फिर और जो प्रत्याशी है, अगर बात की जाए तो मुख्य विपक्षी पार्टी जो सपा की है वो भारतीय जनता पार्टी है इस निकाय चुनाव में, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा जो है उसका मिलना शुरू हो सकता है, क्योंकि मुसलमान वोट जो है वो वर्ग के विरोध के नाते उनसे छिटक जाएगा, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है उसको लीड मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है विवेक, जिस तरीके से शफीकुर रहमान बर्क ने अपना प्रत्याशी निर्दलीय के तौर पर चुनावी मैदान में उतार तो दिया है, तो ऐसे में जो सपा का आला कमान है, क्या उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान सामने आया है? देखिए, बयान अभी तक कोई सामने नहीं आया। अगर बात की जाए तो गुपचुप तरीके से समाजवादी पार्टी ने टिकट भी दिया है, और जिस तरीके से बात की जाए जो प्रत्याशी लगातार सपा से लगे हुए थे, लगातार पार्टी कार्यालय जा रहे थे, अखिलेश यादव से मिलने की गुहार लगा रहे थे, अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर काफ़ी समय तक, जब तक नामांकन के पहले की अगर बात की जाए, प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हो गया, गाड़ियां लगी रहती थी प्रत्याशियों की, अलग अलग जिलों से लोग आते थे यहां पे और मिलने की चाहत में आते थे, अपने टिकट के लिए आते थे, और जिस प्रकार से कुछ लोगों का टिकट जो कटा है, उन लोगों को जिसकी भी अगर भाजपा की बात की जाए, भाजपा से जिनका टिकट कटा है या सपा से जिनका टिकट नहीं हो पाया, उसको बसपा ने जो है टिकट दे के एक नया जो है ये गेम खेला है। उसके बाद अगर बात की जाए बर्क ने जिस तरीके से समर्थन अपना निर्दलीय उम्मीदवार को दिया है, उससे ये साफ जाहिर है कि यहाँ पे जो है वो सपा और जो बर्क का प्रत्याशी जो होगा उनके बीच जो है वोटों की खींचतान देखने को मिलेगी, और इस वोटों की खींचतान के कारण जो है समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है। लेकिन अभी तक किसी हाईकमान के द्वारा, किसी बड़े नेता के द्वारा इस पे कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बिल्कुल, धन्यवाद विवेक इस खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।
खबर गाजियाबाद से है, जहां लोनी क्षेत्र थाना ट्रॉनिका सिटी में भाजपा नेता पंडित ललित शर्मा ने पंजाबी सिंगर बादशाह के खिलाफ शिकायती पत्र दिया है। बता दें कि सोशल मीडिया पर पंजाबी सिंगर बादशाह द्वारा गाए गए गाने में सनातन धर्म के विरोध कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया गया, जिसके चलते भाजपा नेता द्वारा लोनी एसीपी को तहरीर देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सिंगर बादशाह के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनके गाए जाने वाले गानों को भी बैन कर दिया जाना चाहिए। सनक नाम का गाना एक बादशाह सिंगर के नाम द्वारा गाया गया है, जिसमें उसने इतनी अभद्र टिप्पणी की है सनातन धर्म के खिलाफ और देव के देव महादेव के उसने नाम जोड़ा है। ये बिल्कुल एकदम सनातन प्रेमियों पर, बिल्कुल सनातन धर्म पर उसने इतना बड़ा आघात किया है कि बहुत आज पीड़ा पहुंची है उस गाने को सुनकर। उसी के लिए मैंने आज एसपी साहब को तहरीर दी है और उस तहरीर पर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि कल तक इसमें मुकदमा कायम किया जाएगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि बादशाह या तो सुधर जा और नहीं तो तेरा वो असर होगा जो तूने कभी भविष्य में ज़िंदगी में सोचा नहीं होगा। और ये सनातन प्रेमियों को जो बांटने की साजिश ये कर रहे हैं, ये समाजवादी, बसपा और कांग्रेस के कहने पर कर रहे हैं। बाराबंकी में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। इधौलिया स्थित नहर के किनारे जंगल से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान आरोपियों के कब्जे से 5 तमंचा, 8 जिंदा कारतूस और शस्त्र बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। बता दें कि अभियुक्त अवैध तमंचा बनाने में माहिर है और जनपद सीतापुर और बाराबंकी में स्थान बदल बदल कर सुनसान स्थानों पर यह तमंचा बनाया करते थे। वही अवैध तमंचा बनाने के सामान को साइकिल से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता था। वही तमंचा बनाने का कार्य अधिकतर अभियुक्त द्वारा रात में किया जाता था। सीतापुर के थाना लहरपुर से शस्त्र अधिनियम के तहत आरोपी को जेल भेजा जा चुका है। थाना प्रभारी अनिल कुमार पांडे के नेतृत्व में उप निरीक्षक सतीश कुमार दीक्षित सहित शैलेंद्र सिंह, अरविंद यादव आदि पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। यूपी के कानपुर महानगर में एक बार फिर से कोरोना पैर पसारता हुआ दिख रहा है। अब शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों पर भी कोरोना वायरस ने धावा बोल दिया है। दरअसल कानपुर महानगर से जुड़े हुए ग्रामीण इलाके पतारा, घाटमपुर, भीतर गांव में बड़ी संख्या में मामले सामने आए हैं। वहीं कुल 37 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कानपुर महानगर में मरीजों का आंकड़ा 143 पहुंच गया है। लगातार आ रहे मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी लगातार अपनी तैयारियां बढ़ा रहा है और कोरोना को लेकर कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल में अलग से बेड भी रिजर्व कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हर प्रकार की स्थिति से लड़ने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वह जिला प्रशासन भी लगातार अपील कर रहा है कि लोग मास्क का इस्तेमाल करें, इसके साथ ही कोरोना वायरस से बचने के लिए पहले वाली गाइडलाइन को ही फॉलो करें। कानपुर में डॉक्टर अंकित शांडियल्ले ने आयुर्वेदिक दवा का आविष्कार किया है। बता दें कि जनपद सहारनपुर के गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर अंकित शांडियल्ले ने तीमारदारों के इलाज के लिए आयुर्वेदिक दवा का आविष्कार किया है। वहीं डॉक्टर ने बताया कि मांसपेशियों का किसी तरह का भी दर्द इस दवा से मात्र 15 मिनट में ही गायब हो जाएगा। अब लोगों को अंग्रेजी दवाइयों का सेवन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयां उनके किडनी को सीधा नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं। वहीं अब इस आयुर्वेद से हर दर्द से जुड़ी समस्या का बेहतरीन समाधान मिलेगा। अच्छा, आपको क्या दिक्कत थी? सर, मुझे बॉडी में बहुत ज्यादा पेन था, बेचैनी थी, तो फिर सर ने मेरे को ये लगाई थी। मुझे तो 15-20 मिनट बाद ही आराम मिल गया और फिर पूरे टाइम मैंने नाइट में भी लगा के रखी, फिर उसके उस दिन से बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद आपको कोई दवाई खाने की जरूरत ही नहीं पड़ी? उससे बाद तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको किस तरह की दिक्कत थी? मुझे डिप्रेशन भी थी, नींद नहीं आया करती थी और मेरा बीपी भी घटा बढ़ा है, तो अब आराम है। नहीं तो ये दवाई आपके इन्होंने लगाई तो कितनी देर बाद आपको आराम मिला इस दवाई से? तो जी पहले तो मैं सबूत रात लगा रखी, शाम को लगाई, सुबह उतार दी और अब तो जब कोई परेशान नहीं हो जब भी लगा। तो आपको आराम मिला इससे? बिल्कुल सेफ है। जैसे आजकल चल रहा है दर्द वगैरह में, बुखार में पेन किलर्स स्टेरॉइड खिला के लीवर और किडनी डैमेज कर रहे हैं लोगों की, तो इसे गोली से चिपका लेने से 1% कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इवन 9 मंथ प्रेगनेंसी में, 7 मंथ प्रेगनेंसी में भी मैंने पेशेंटों पे लगाई है ये, और उनको जैसे प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, उनको बैक पेन, लेग पेन, हैंड पेन और जैसे घबराहट, बेचैनी, उनको सांस फूलना, पेट में दर्द, ये चीज़ रहती है, तो उसमें भी मैंने देखा है कि बड़ा रिलीफ मिला है।
जैसे प्रेगनेंसी में लेडीज को पेन किलर नहीं दे सकते हम। हाँ, जैसे ये बता रहे हैं ना कि प्रेगनेंसी में दर्द इस तरह खबर चंदौली से है जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के झांसी समीप नींद में कार चालक ने पीछे से ट्रक में टक्कर मार दी है। वही हादसे में 3 की मौत हो गई है जबकि 4 की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार करते हुए वाराणसी रेफर कर दिया गया है। कार चालक ने बताया कि सभी को लेकर विंध्याचल देवी दर्शन के लिए जा रहा था तभी उसे नींद आ गई जिस कारण ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई वही 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और 4 घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल 3 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कहाँ के रहने वाले हैं? अभी एक्सीडेंट हुआ है, कैसे हुआ है? एक्सीडेंट हो गया, जाके झपकी आ गई है, जाके झपकी आ गया। किनको झपकी आ गई थी? कार आप ही चला रहे थे? अच्छा, कितने लोग सवार थे उसमें? 8-9 लोग। और किसमें टक्कर मारे थे आप? ट्रक में हो गया। कितने लोग की मौत हुई इसमें? 3 लोग का। और घायल कितने हुए हैं? घायल सब लोग घायल हैं। गोंडा थाना छबिया क्षेत्र के बगल दलाल जोत गांव गोंडा के दलाल जोत गांव में एक चीता देखा गया है। चीते देखने से गांव के लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। वही सूचना मिलते ही मौके पर वन विभाग की टीम मौजूद है और तेंदुआ देखने से लोगों की भीड़ भी लगातार बढ़ती जा रही है। वही हटाने में पुलिस नाकाम भी नजर आ रही है तो चीता दिखने से लोगों में दहशत का माहौल है और ये तस्वीरें जनपद गोंडा से सामने आई है जहाँ एक गाँव में चीता घुस गया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।